जानती हूँ माँ, मेरी जगह अगर मेरी जीजी माँ होती तो अपनी बिट्टू को बचाने के लिए जी जान लगा देती, पर मैं कमजोर पड़ रही हूँ माँ, मुझे हिम्मत करनी होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, अपनी जीजी माँ को बचाना है मुझे, इंद्रा देवी के चंगुल से उन्हें बचाना है। मेरी जीजी माँ ने अपनी बिट्टू के लिए अपनी कोख की कुर्बानी दी है, अब मेरा फर्ज है कि मैं उनकी ढाल बनूं, उनकी खुशियां उन्हें वापस लौटाऊं। मुझे आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद। मैं जानती हूँ आप उत्तरा देवी को अपनी माँ क्यों समझते हो, क्योंकि उनके दिखावे के प्यार के पीछे उनकी छुपी हुई नफरत नहीं देख पा रहे हो आप। उनके सामने आपको आपकी पिट्टू पराई लग रही है, पर मैं सच्चाई सबके सामने ला के रहूंगी। माँ से उसका बच्चा चाहे जितना नाराज हो जाए, पर माँ अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती। अब मैं आपकी जीजी माँ हूं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप तो मासूम हैं, मुझे कुछ नहीं बता पाओगे। पर ये लगे कैमरास, मेरी आंखें और कान बनेंगे। मुझे मेरी फाल्गुनी कब वापस मिलेगी? बचाओ मुझे! अच्छा एक मिनट, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ दिखाने आया था, दिखाऊं? ये देखो, भूत ऐसे होते हैं। हाँ। क्या मैं ऐसा हूं? और मेरी दाढ़ी ऐसी है? क्या मेरे दांत इसके जैसे हैं? और मेरी आंखें ऐसी हैं? नहीं नहीं ना, तो फिर मुझसे डर क्यों लगता है? एक बात कहूं? हाँ? मुझे इससे डर लग रहा, लेकिन मुझसे तो नहीं लगता ना। आपसे भी, आपकी दाढ़ी है ना, भूत की दाढ़ी होती है। माँ, भूत अंकल, बचाओ माँ, बचाओ भूत अंकल! इतना समझाने के बाद भी मुझे भूत मान के डर रही है?
ऐसा क्या करूं जिससे कि इसको मुझसे डर ही ना लगे। माँ! अच्छा हुआ भूत अंकल मेरे पीछे नहीं आए। माँ! जीजी माँ, आप कमरे से बाहर क्यों आ गई? क्यों? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? अब ठीक है। अच्छा तुमने मेरी माँ को कहीं देखा है? लो, आप उनको ढूंढ रहे हो? हाँ। वो तो आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो उनके कुछ दोस्त आए ना, वो आपको मिलवाना चाहते हैं। जाइए जल्दी जाइए। सच्ची? मिसेस सक्सेना, मैं बता नहीं सकती आप यहाँ आई मुझे कितना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तुम जानते हो उत्तरा, मिसेस सोमानी के पति ने अहमदाबाद में अपना नया ऑफिस नहीं लिया है, उन्होंने तो अपना घर ही बसा लिया। क्या? मेरी समझ में नहीं आता ये सारी खबरें आपको मिलती कहाँ से है। तुम अरुणा की किट्टी में नहीं आई थी ना? हाँ, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको घर पे ही बुला लेती हूँ, एक छोटी सी पार्टी भी हो जाएगी। अरे उत्तरा, तुम्हारी किट्टी तो बहुत अच्छी होती है। और नहीं तो क्या, उत्तरा देवी रावत के यहाँ सब कुछ एक नंबर होता है। तक ही सोती रही ना। अरे वाह, इतना सारा खाना, ये सब मेरे लिए है? आप सब मेरे माँ के दोस्त हैं? नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते उत्तरा, ये तो तुम्हारी बहू फाल्गुनी है ना? फाल्गुनी? आंटी, आपका बस इतना मोटा क्यों है? कहीं आपने इसमें समोसे तो नहीं भर लिए घर जाके खाने के लिए? देखो मैं। ए, क्या कर रही है? गंदी आंटी। माँ, मैं आपको कह रही हूँ, इन आंटी ने जरूर समोसे छुपाए हैं। वाह, आपके बाल तो बहुत ही सुंदर हैं। इतने लंबे बाल, देखो माँ। मैडम, आपको क्या लगता है इस रेस में कौन जीतेगा? अरे अरे बिटिया रानी, बिटिया रानी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे थारे वास्ते बहुत चॉकलेट आए हैं, पूरे कमरे भरे, और तुम यहाँ पे खेल रही हो। कमरे भर के चॉकलेट मौजूद हैं? तो चलो ना फिर, मुझे यहाँ बोर नहीं होना आंटियों के बीच में, चॉकलेट खानी है। चलो 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 चलो। माँ, ये रहा आंटी के बाल। चलो जल्दी। आई एम सो सॉरी। उत्तरा, तुमने यहाँ मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? नहीं, मुझे नहीं पता था ये, लेकिन ये हुआ कैसे? वो मैं स्पा कराने गई थी और गलत ट्रीटमेंट से ये सब हो गया। उत्तरा, तुमने तो हम सबकी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया क्या? नहीं, आप लोग प्लीज, ये तो शुरुआत है मॉम, अब आगे आगे देखना। आपकी ये शोना बेटा आपको किस किस तरह से परेशान करती है। मॉम 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 मॉम, सुन के कान पक गए हैं मेरे, कितना बोलती है ये लड़की। गलती मेरी है, मेरा शोना बेटा, मेरी नन्ही परी बोल के सर पे चढ़ा रखा है इस लड़की को।
सर पे बैठ के मेरे बाल खींच रही है। इतनी बेइज्जती मेरे दोस्तों के सामने मेरी कभी नहीं हुई। कुछ तो करना होगा, इसका मुंह बंद करना होगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या? क्या है? हेड टेल? चलो एक और, अभी क्या है? हेड टेल। चलो कोई बात, मजा आया बहुत। विदु तुम तो बिल्कुल हीरो जैसे हो, तुम्हें तो हर गेम आता है। दोस्त एक तुम ही हो जिसे कदर है मेरी। लोग कहते हैं नकारा है, निखट्टू है, क्या क्या है। ये लो कॉफी। अरे वाह। नहीं विदु, इससे कॉफी मत लो, ये बुरी दीदी है, मुझे तंग करती रहती है हमेशा, वापस दे दो। ठीक है ठीक है ठीक है, रख दिया, नहीं पी रहा। तुम जाओ। दोस्त एक और गेम खेलते हैं, ठीक है? अभी क्या है? टेल। टेल? तुम्हें क्या दिख रहा है? ये तो हेड है। मुझे तो टेल दिख रहा है। कौन सही कौन गलत? मैं। तुम सही हो, मैं गलत हूँ। नहीं तुम ही सही हो, मैं ही गलत हूँ शायद। पर विदु हेड और टेल तो दोनों इसी में है ना। वही तो, देखो जैसे तुम्हें वो बुरी दीदी लगती है ना, तुमने उनका एक साइड देखा है, एक साइड देखा तुमने कह दिया कि वो बुरी दीदी है, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा साइड भी है, बहुत बहुत अच्छा, इसीलिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए विदु? दोस्त तुम्हें उनकी दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। कॉफी ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाता हूँ, तुम यही रहना, जाना मत कहीं, ठीक है? हेड टेल, हेड टेल। माँ नहीं बेटा, ये तो मैं आपके लिए तैयार हो रही हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी फाल्गुनी बेटी के लिए अच्छे से तैयार हो जाऊं। माँ हम्म, मेरा भी मेकअप करेंगी प्लीज। आपको मेकअप करना है? हाँ। चलो आ जा। पता है मैं आपके लिए ये नई लिपस्टिक लाई हूँ। ये आपके लिए और ये माँ के लिए, दोनों की सेम सेम लिपस्टिक। ये लिपस्टिक लगाएंगे और हम घर में सबको दिखाएंगे, ठीक है? चलो। इस लेफ्ट वाली लिपस्टिक को लगाते ही इसका मुंह 7-8 घंटे के लिए चिपक जाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगी। है अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। देखो माँ आपके लिए कितना प्यारा लिपस्टिक लेके आई है। आओ, लिपस्टिक लगाते हैं मेरी बिटिया रानी को।
बस अगले 10 मिनट में बोलते बंद। इस लिपस्टिक में गोंद मिली हुई है, दोनों होंट आपस में चिपक जाएंगे तुम्हारे। अब लिपस्टिक लगाएगी माँ, फिर फाल्गुनी और माँ दोनों एक साथ नीचे जाएंगे और सबको दिखाएंगे हमारी लिपस्टिक। देखो ठीक लगी है? वाओ, अब तो बहुत ही सुंदर लग रही है माँ। तुम सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। चलो चले। चलो बेटा आओ 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 आओ। तुम प्यारी नहीं, तुम परी लग रही हो। सच्ची? माँ, विदू, कुछ खेलें क्या? बोर हो रही हूँ मैं। गेम खेलते हैं? हाँ। मैं जो बोलूंगा मेरे बात बोलना। सुनो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। बोलो क्या हो रहा है भैया? वो टंगस्टर का गेम खेल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फाल्गुनी बोलने वाली। बोलो। एक बार फिर से बोलो ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चाची को चांदनी एक मिनट नहीं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची पेड़ चटनी भूल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब नखरे वाली तुम्हारी बारी। नहीं, ये हमारे साथ नहीं खेलेगी। अरे ऐसा मत करो यार, दोस्त है मेरी। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। इस पागल के चक्कर में पूरा घर पागल हो गया है। बस और 2 मिनट फिर इसकी भूलती 24 घंटे के लिए बंद। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में पिक्चर ये मैं हार गई, भूल गई मैं तो तुम्हारी दोस्त से भूल गई। हार गई तुम्हारी दोस्त। बंद हो गई जबान। मुझे लगता है मेरी जीभ कट गई। मैं बोल के बताती हूँ माँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये तो अभी भी बोल रही है। बोलो ना। मैंने तो बाल वाली लिपस्टिक लगाई थी, फिर ये कैसे हो गया? ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं?